हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम आए कालका जी मंदिर दर्शन करने और मेरे संग मेरी मम्मी आई है साथ में। मम्मी कैसे हो? अच्छा, तो गाइस अभी हम चल रहे हैं। तो गाइस, अगर आप कालका जी मंदिर आना चाहते हो ना, तो आप मेट्रो से आ सकते हो। मैंने मेट्रो का रास्ता दिखा दिया आपको, बाकी आगे दिखा दो। गेट नंबर 2 से एंट्री लिए अंदर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे आपको, ठीक है? दर्शन कराएंगे आपको भी माता रानी के। आ जाओ। सो गाइस, देखो ये कालका जी मंदिर का मेट्रो स्टेशन। अगर आप कभी भी कालका जी माता पे आना हो तो गाइस आप इस मेट्रो से आ सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये है कालका जी मंदिर का मेट्रो स्टेशन। ऑल ओवर दिल्ली से कहीं से भी आप आ सकते हो। थैंक यू। तो गाइस देखो, हो चुकी लाइन शुरू, लंबी लाइन में चल रही है। अरे तो गाइस, बड़े दिनों बाद आया गाइस, रास्ता पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। अब पहले तो हम आगे से आया करते थे, बट आज हम पीछे बैक साइड से आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस देखो, ये माता का मंदिर है, देखो कालका जी माता। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, ये लाइन आ रही पीछे से। तो आज संडे है ना, बहुत भीड़ है। तो आप वैसे नॉर्मल डेज में आओगे जैसे तो थोड़ा भीड़ कम रहती है, बट आज जो है दर्शन करने में लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं। दोस्तों लाइन में गुजरा है, देखो सब गलत बात है, वेरी बैड। गाइस मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ माता जी मंदिर। गाइस मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं छोटा हुआ रहता था जब से आ रहा हूँ, और आज जाके बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना बचपन याद आ गया पूरा, और बहुत 1-2 साल हो गए, 1-2 साल बाद आया हूँ मैं, मतलब 2-3 साल हो गए। बहुत पहले आया था मैं तो कालका जी माता के मंदिर। तो गाइस बचपन में हम आया करते थे, मेरी मासी जी भी आती थी, उनके बच्चे वगैरह सारे भाई बहन आते थे, बहुत अलग ही मजा आता था। और अब तो बहुत चेंजेस से हो गए हैं, पहले एक ही लाइन हुआ करती थी, अब तो उन्होंने अंदर लगा दिए, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे जो है रेनोवेशन चल रही है मंदिर में, ये देखो। तो अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो आप भी आओ दोस्तों, दर्शन करो माता रानी के, मजा आएगा आपको। तो गाइस दर्शन हो गए माता के अंदर था। तो बाकी दोस्तों, यहाँ प्राचीन मूर्तियां लगी हैं, देखो यहाँ पे प्राचीन बना हुआ है, देखो। अभी चलते हैं मत्था देखते हैं, ये देखो दोस्तों दीवारें, दोस्तों बहुत पुरानी है, दर्शन करो आप भी। दोस्तों घंटियां बहुत पुरानी है, देखो आज हो गया। जय माता दी, पूजा वगैरह होती है। दोस्तों लोग अपने आरती वगैरह कर रहे हैं, बच्चों के बाल यही उतारे जाते हैं, जिसको मुंडन करवाना हो किसी बच्चे अच्छे का अपना, तो यहाँ करवा ले नंबर जरा, ठीक है? ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, जय माँ काल का। मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी आ रही है। कितनी भीड़ हो गई यहाँ पे। कहाँ चले गए थे आप? इससे मम्मी प्रसाद दर्शन ना कर लाई थी, अभी प्रसाद देंगे सबको। तो गाइस तो हमने माता के दर्शन कर लिए, तो मैं आपको भी बताऊं, कभी भी अगर आप आते हो गाइस, तो देखो कालका जी मंदिर का मेट्रो स्टेशन है, और दोस्तों यहाँ से आप आओगे सामने से पेडेस्ट्रियन बना हुआ है एक, और यहाँ से ऊपर पुल बना हुआ है, पुल से ऊपर चढ़ के दोस्तों यहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर भैरव बाबा के मंदिर ना जाया जाए तो माता की यात्रा जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो गाइस आप प्लीज भैरव बाबा के मंदिर भी आओ, सामने ही है। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों, ये प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। तो अभी चलते हैं, आ जाओ। देखो दोस्तों यहाँ फॉरनर्स भी आती है, देखो फॉरनर जा रही है मेरे आगे, समझ सकते हो दोस्तों मतलब कितनी मानता है हमारे सनातन धर्म की। गाइस फॉरनर्स लोग भी हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म की पूजा करनी चाहिए। अभी चलते हैं दोस्तों आगे, आपको दिखाते हैं भैरव बाबा का मंदिर, आ जाओ। जय माता दी, जय माँ कालका, जय माँ दुर्गा। मेरी रानी बड़े दिनों बाद आया मैं दर्शन करने, जय माँ, जय माँ, ओ माँ, जय बंगला मुखी माई की जय, जय माँ, माँ आपके दरबार आएंगे, माँ बंगला मुखी माँ। हम जाते हैं ना ज्वाला जी, जाते हैं बंगला मुखी माई का मंदिर भी वहीं पर ही है। हाँ मतलब जैसे जाते हैं ना वहीं से, मतलब बस जाती है वहां से, चलेंगे ठीक है।
जय मेरे भोले बाबा भोले भंडारी शिव शंभु महाराज, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मेट्रो में, अब हम वापस घर जा रहे हैं और बहुत मजा आया आज। तो दोस्तों आप सब भी अपनी मम्मी पापा के साथ घूमा करो, आपको बहुत अलग ही खुशी मिलेगी। और दोस्तों मंदिर जरूर जाया करो, महीने में 4 दिन मिलते हैं संडे, तो संडे या मंडे मिले जो भी दिन मिले बस, तो रोज जाना चाहिए मंदिर, बट कभी कभी थोड़ा घर से दूर वाले मंदिरों में भी जाना चाहिए। और बाकी मम्मी कुछ कहोगे मेरे दोस्तों को? दोस्तों मम्मी आज मैं तो थोड़ा टायर्ड फील कर रही है, इनको मैंने बहुत घुमा दिया आज, तो अब मैं जाऊँगा दोस्तों इनसे मिल लिया और मैं जाऊँगा अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने। क्या हुआ अब इनको दोस्तों घर छोड़ के? मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं गाइस। तो इन्होंने ना किसी कोई बच्चा बैठा था यहाँ पे, उसको उठा दिया और खुद बैठ गई है देखो। बाय बाय मेट्रो। सो गाइस फाइनली हम अपने घर पहुंच गए दोस्तों, ये रही हमारी घर की पहचान। दोस्तों एक दिन अपना फ्लैट होगा ऊपर वाले फ्लोर पे टॉप पे, तो उस दिन आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगा। बाकी अभी तो हम अपने घर चलते हैं, ये रही लिफ्ट, आ जाओ दबाओ बटन। तो दोस्तों अभी घर जा रहे हैं, घर पे जाके बनाएंगे नमकीन चावल, उसके बाद दोस्तों खाएंगे, फिर मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा कहीं और मस्ती करने। तो अभी बटन दबा दिया, लिफ्ट आती होगी। तो बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज यार लाइक कर दो और कमेंट कर दो अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लो हिमांशु मलिक वर्ल्ड को, और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दो। और जिस भाई को भी कालका जी मंदिर जाना है तो आप कभी भी जाओ, 7 डेज ओपन है, और मतलब वहां कोई टाइमिंग का वो इशू नहीं है, आप कभी भी जाओ सुबह से शाम में, और भीड़ तो हमेशा रहती है, बट अगर आप दिल से जाओगे सच्चे दिल से तो मात्रा ने आपको दर्शन देगी। चलो हमें बाहर आ जाओ, ये खराब है वैसे भी, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।